आज हम कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र के इकाई 2 विलयन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ के अंतर्गत जो विषय वस्तु आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वो इस प्रकार से है। पहले हम विलयन क्या होता है और विलयन की परिभाषा क्या है वो बताएंगे। उसके बाद हम विलयन के प्रकार, विलयन के जो प्रकार हैं उसको हम दो भागों में बांटेंगे या उसका दो आधार मान के चलेंगे। एक तो विलयन की भौतिक अवस्था उसका आधार मानेंगे, दूसरा उसकी सांद्रता, विलयन की सांद्रता के आधार पर हम विलयन को प्रभावित करेंगे। विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की भी विभिन्न विधियां हैं, उन विधियों को एक एक करके पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत पहली विधि आएगी द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरी विधि आएगी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तीसरी विधि आएगी आयतन प्रतिशत, चौथी मोलरता, पांचवी मोलरता, छठवीं नॉर्मलता, फिर आएगी उसके बाद मोल प्रभाज, और लास्ट में जो आखिरी जो विधि है सांद्रता ज्ञात करने की वह है पीपीएम अर्थात पार्ट्स पर मिलियन। अब एक एक करके हम इन सभी विषय वस्तु को अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं मिलियन। आप सभी को ये ज्ञात है, आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, विलयन क्या होता है। जब हम कोई दो पदार्थ को समान रूप से आपस में मिश्रित करते हैं तो हमको एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, वह समांगी मिश्रण विलयन होता है। हम इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, जब कोई दो पदार्थ, दो या हम दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इसको दो पदार्थ लें, दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिश्रित होते हैं तो एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। यहाँ पर एक शब्द आया है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होगा, जब हम दो पदार्थों को आपस में मिश्रित कर रहे हैं तो वह एक दूसरे में इस तरीके से मिक्सअप हो जाएंगे कि हम उनको फिर से अलग अलग नहीं कर सकते या अलग अलग प्राप्त नहीं कर सकते। इसको हम कहेंगे समान रूप से एक दूसरे में वितरित हो जा रहा है, उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अब आते हैं विलयन में, जो दो पदार्थ हमने मिक्स कर रहे हैं उसके आधार पर विलयन को हम, विलयन के दो भाग, हम कहेंगे कि विलयन के दो भाग होते हैं, एक को हम कहते हैं विलय और दूसरा होता है विलायक। ये मेरे ख्याल से सभी को मालूम है, विलय और विलायक होते हैं, इसके विलयन के दो भाग होते हैं, और अधिकतर सभी बच्चों को ये भी मालूम है जो कम मात्रा में रहता है उसको हम विलय कहते हैं और जो अधिक मात्रा में रहता है विलायक कहते हैं। ये कॉमन अपनी नॉलेज है, ये सबको मालूम रहता है, लेकिन हम विलय और विलायक की एक परिभाषा और बता सकते हैं। यदि हम अपने केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहते हैं तो विलय वो पदार्थ रहेगा विलयन में जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था से भिन्न होती है। विलय की वो पदार्थ, हम विलय की परिभाषा कैसे बोल सकते हैं, वो पदार्थ या विलयन का वो भाग जिसकी भौतिक अवस्था
विलायक होता है। विलायक विलयन का वह हिस्सा होता है जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान होती है। उसका मैं अभी उदाहरण भी आपको बताने जाऊंगी। पहले आप ये लिख लीजिए, विलायक वो पदार्थ या विलयन का वो भाग बताती हूँ जो आप अपने घर में रोज देख रहे हैं। जैसे एक कप में आप पानी रख लीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक मिला दीजिए, तो यहाँ पर हमको जो प्राप्त होगा नमक पानी का विलयन प्राप्त होगा। अब इसमें विलयन आपको जैसे कि मालूम है कि थोड़ी मात्रा में जो हमने लिए थे नमक लिए थे, तो नमक क्या हो गया, वो विलय हो गया। और अधिक मात्रा में हमने एक कप में पानी लिए थे तो वो क्या हो गया, विलायक हो गया। अब ये देखिए, जब ये परिभाषा हमने लिखी है उसके आधार पर नमक क्या था, ठोस अवस्था में था नमक, और जो हमारा विलयन प्राप्त हुआ था नमक पानी वाला जो विलयन प्राप्त हुआ था वो क्या था, द्रव अवस्था में था। तो उससे आपको समझ आ गया कि विलय ठोस अवस्था में, यानी नमक जो था वो ठोस अवस्था में है और विलयन जो हमको प्राप्त हुआ वह द्रव अवस्था में, अर्थात इन दोनों की जो भौतिक अवस्था थी वो भिन्न भिन्न थी। इसके विपरीत हम जानते हैं विलायक जो हमने द्रव में पानी लिए थे, पानी और विलयन दोनों ही द्रव अवस्था में है, इसलिए विलायक वो भाग रहता है विलयन का जिसकी विलयन और विलायक की भौतिक अवस्था समान होती है। इसको हम दिखा भी सकते हैं। ये देखिए हमारे पास नमक है और ये बीकर में पानी जल है। यदि हम इसका विलयन तैयार करते हैं, ये थोड़ी मात्रा में, आपको मात्रा भी समझ में आ रही है, विलयक जो है वह कम मात्रा में है और जल जिसको हम विलायक कह रहे हैं वह अधिक मात्रा में है। अब यदि मैं इसको इसमें मिक्स कर देती हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर जो नमक ली थी उसको इस जल में विलय कर रही हूँ, और इस तरीके से हमको विलयन प्राप्त हो रहा है, नमक पानी का विलयन प्राप्त हो रहा है। और ये जो विलयन है हमारा द्रव अवस्था में, जबकि जो ये विलय था वो ठोस अवस्था में है और जल जो है वो विलयन के समान द्रव अवस्था में है। तो इस तरीके से हमको काफ़ी कुछ समझ आ जाता है इससे कि विलय क्या है, सॉरी विलयन क्या है, और विलय और विलायक इसमें जो प्राप्त होता है वो क्या चीज है। इसके बाद हम आते हैं इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। विलयन को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला तो है उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर उसको वर्गीकृत कर सकते हैं, विलयन को भौतिक अवस्था के आधार पर। और दूसरा है विलयन की सांद्रता के आधार पर। विलयन की भौतिक अवस्था में ठोस द्रव गैस विलयन किस प्रकार का हमें प्राप्त हो रहा है उसके आधार पर हम विलयन को प्रभावित करेंगे तीन भाग, तीन प्रकार में। पहला है गैसीय विलयन, दूसरा है ठोस विलयन और तीसरा है द्रव विलयन। फिर उसके बाद हम आएंगे विलयन की सांद्रता के आधार पर। हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। विलयन की सांद्रता के आधार पर भी हम इसको अलग अलग प्रकार, जैसे तनु विलयन सबने सुना है या आपने सबने अध्ययन भी किया इसके बारे में, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। यहाँ पे पहले आते हैं, पहला आधार को लेते हुए हम विलयन को विभाजित करेंगे तीन प्रकार के विलयनों में। पहला आते हैं हम गैसीय विलयन। जब कोई
कोई विलयन। गैसीय रूप में प्राप्त होता है या गैसीय अवस्था में प्राप्त होता है। उसे गैसीय विलयन कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात को ध्यान रखेंगे, जैसे हम अभी पीएच में भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन के प्रकार बता रहे हैं, उसमें जो अवस्था है या जो प्रकार, जैसे हम गैसीय विलयन बोल रहे हैं, यदि हम गैसीय विलयन बोल रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे जो भी विलायक रहेगा वह गैस रहेगा। और उसके उदाहरण हम बता सकते हैं, उदाहरण के लिए विलायक को इसमें हम गैस ही लेंगे। अब इस विलायक में जो विलय होगा वह तीनों अवस्था में हो सकता है। जो विलय हम इस गैस में बोलेंगे वो हो सकता है ठोस अवस्था में भी हो सकता है। यदि हम विलय की अवस्था चेंज कर दें वह द्रव अवस्था में भी हो सकता है। और तीसरा, गैस में ही हम गैस को घोल के विलयन प्राप्त करें। उन सभी के उदाहरण भी मैं बताऊंगी। पहला आता है गैस में ठोस का विलयन। तो यहां पर हम हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम में अधिशोषण, नेक्स्ट आता है गैस का द्रव में विलायक हम गैस ले रहे हैं और उसमें द्रव मिश्रित कर रहे हैं। ये कौन सा उदाहरण, बहुत कॉमन एग्जांपल है ये, वायु में जल वाष्प। वायु में जल वाष्प और गैस में गैस का विलयन, यानी हमारे वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की गैसें आपस में मिश्रित हैं उसको हम कह सकते हैं वायुमंडल में उपस्थित गैसें। ये सभी प्रकार के जो विलयन है वह गैसीय विलयन के अंतर्गत आता है। अब आते हैं अपन सेकंड प्रकार, द्रव विलयन। भौतिक अवस्था के आधार पर जो दूसरा प्रकार विलयन का है वह है द्रव विलयन। द्रव विलयन में जब कोई विलयन हमको द्रव अवस्था में प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव विलयन। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, द्रव विलयन। यहाँ नाम से ही समझ आ रहा है, यहाँ जो विलायक हम यूज करेंगे वह द्रव रहेगा और उसमें हम विलय, चाहे वह ठोस द्रव या गैसीय अवस्था में विलय हो सकता है और इसको हम जब द्रव में मिश्रित करते हैं तो हमको द्रव विलयन प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, मान लो कोई भी द्रव ले लो, द्रव जल ले लेते हैं। जल में हम कोई सा भी ठोस पदार्थ मिश्रित कर लेते हैं, चाहे शक्कर ले लो, नमक ले लो या ग्लूकोज ले लो। ग्लूकोज पानी एक हो गया, यहाँ पे विलायक जो है ठोस हो गया और विलायक जो है वो द्रव अवस्था में हो गया। एक ये उदाहरण है इसका। फिर यदि हम यदि द्रव में गैस बोलना है तो आपका जो पेप्सी या कोका कोला ले सकते हो या सोडा वाटर ले सकते हो जिसमें
द्रव में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली रहती है। ये भी एक उदाहरण है द्रव विलयन का। और ठोस विलयन की हम बात करते हैं तो द्रव में द्रव का विलयन है ना, द्रव में द्रव का विलयन हम कैसे ले सकते हैं, यदि हम एथिल अल्कोहल को जल में मिश्रित करते हैं तो इस प्रकार जल जो हमारा विलायक हो गया और एथिल अल्कोहल विलायक हो गया। तो इस प्रकार से द्रव विलयन को कभी हम तीन प्रकार से उदाहरण दे सकते हैं, जिसमें कि विलायक जो रहेगा वो द्रव अवस्था में है और विलय जो है ठोस गैस या द्रव अवस्था में भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये सेकंड प्रकार का जो भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन है वह है द्रव अवस्था। नेक्स्ट थर्ड अवस्था वह रहेगी ठोस विलयन। ठोस विलयन में जब विलयन हमको ठोस अवस्था में प्राप्त हो रहा है
विलयन कहलाते हैं। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा असंतृप्त, असंतृप्त यानी असंतुष्ट, यानी अभी भी वह जो विलायक है वह विलय से असंतुष्ट है, उसमें हम और अधिक विलय मिला सकते हैं, उसको कहेंगे असंतृप्त विलयन। फिर इसके बाद आता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन कैसा विलयन होगा, जिसमें हम विलय घुलते जा रहे हैं, विलायक में घुलता जा रहा है विलायक, और एक अवस्था ऐसी आएगी कि और अधिक विलय उस विलायक में नहीं घुल सकता, और वो विलय जो है वह बीकर में या बर्तन या पात्र जिसमें हमने विलयन तैयार किया उसके नीचे बैठने लगेगा। जैसे ही विलय नीचे बैठने लगता है या जमा होने लगता है, इसका मतलब है अब हमारा संतृप्त विलयन तैयार हो गया है, अब हम इससे अधिक और उसमें विलय नहीं घोल सकते हैं। तो हम संतृप्त विलयन की परिभाषा कैसे कह देंगे, ऐसे विलयन जिसमें और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता, पांच प्रकार में बांटे, तनु विलयन, सांद्र विलयन, असंतृप्त
अति संतृप्त विलयन। इसमें तनु विलयन क्या था, जिसमें विलायक की मात्रा कम है और विलायक की मात्रा अधिक है, ऐसे विलयन को हमने तनु विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन, जिसमें विलायक की मात्रा कम थी और विलायक की मात्रा बहुत अधिक थी, उसको हम सांद्र विलयन कह रहे थे। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन में किसी निश्चित ताप पर जब विलय विलयन में ऐसे विलयन जिसमें हम और अधिक विलायक घोल सकते हैं, ऐसे विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन, किसी निश्चित ताप पर यदि हम उस विलयन में और अधिक विलय नहीं घोल पाएंगे, ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। जब हम संतृप्त विलयन का तापमान थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो उसमें हम और अधिक विलय इसमें विलय कर सकते हैं, ऐसे विलयन को हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट विषय वस्तु, जो हमने अभी विलयन तैयार किए हैं, अब इन विलयनों की सांद्रता मापने की बारी आ गई। तो अलग अलग विलयन के प्रकार के आधार पर हम सांद्रता जो मापेंगे उसके लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करेंगे। चलिए आइए अब अपन पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता व्यक्त करने वाले विभिन्न प्रकार की विधियां पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले क्या आते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को हम परिभाषित करने के लिए, यदि हम किसी विलयन के 100 भार भागों में, 100 भार भागों का मतलब क्या होगा, हम उस विलयन का द्रव्यमान ले रहे हैं, उस विलयन के द्रव्यमान का 100 भाग में कितने भाग विलय का है, और यहाँ पर विलय भी क्या लेंगे, भार भी लेंगे। तो हम इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, किसी विलयन के सौ भार भागों में विलय के भार भागों की संख्या ठीक है, किसी विलयन के सौ भार भागों में विलय किए गए भार भागों की जो संख्या रहेगी वह उस विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है, उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। इसका सूत्र देखिए क्या होगा, इसका सूत्र द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। और चूंकि आप प्रतिशत में हम ज्ञात कर रहे हैं इसलिए हम इसको 100 से गुणा करेंगे, तो विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ये इसका एक अपन उदाहरण लेते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात करिए। लेकिन हमारे जो सूत्र है उसमें हमको क्या निकालना है, विलयन का द्रव्यमान,
तो यहाँ पे पहले हम विलायक का द्रव्यमान लिखेंगे जो दिया गया है प्रश्न में, पहले हम उसको लिखेंगे और उसके बाद इस तरीके से हम विलयन का द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, विलय प्लस विलायक का द्रव्यमान अर्थात 100 घन 10 बराबर 110 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान हमारा ज्ञात हो गया 110 ग्राम। सूत्र में सीधे रखना है आपको, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर कितना हो गया विलय का द्रव्यमान बटे विलय का द्रव्यमान गुणा 100, 10 से 10 करिए बराबर 100 बटे 11 इक्वल टू 9.09। तो इस विलयन का जो द्रव्यमान प्रतिशत है वह 9.09% प्राप्त हुआ है। इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न आपको तैयार करने हैं इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट आते हैं आयतन प्रतिशत, जो सेकंड विधि है सांद्रता प्राप्त करने के लिए वह है आयतन प्रतिशत। यहाँ पर देखिए हमने विलय का आयतन लिए हैं और विलय का भी आयतन लेंगे। पहले जो हमने लिए थे विधि उसमें था द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि हम दोनों विलयन प्लस विलय दोनों का द्रव्यमान लेते हुए विलयन का 100 भाग लिए हैं और उस 100 भाग में विलय के कितने द्रव्यमान भाग जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे जब याद करने बैठते हैं तो उनको बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो ये बच्चे उसको याद करने के बजाय आप समझिए कि ये जो वर्डिंग दी हुई है उसके आधार पर आप उसकी परिभाषा निकालने की कोशिश करिए। यदि हम द्रव्यमान बोल रहे हैं यानी द्रव्यमान हम दोनों का ले रहे हैं, विलयन का भी ले रहे हैं और विलय का भी ले रहे हैं। यदि हम यहाँ आयतन प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर विलयन का भी आयतन लेंगे और विलय का भी आयतन लेंगे, और इससे हमारा सूत्र भी बहुत जल्दी निकल जाएगा। आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। इसका बहुत इजी नहीं वाला, तो आयतन प्रतिशत बहुत इजी है। यदि हम कहते हैं उदाहरण हम इसका लेंगे 7% HCl विलयन, क्या हो 7% HCl विलयन का अर्थ क्या होता है 100 ml विलयन में HCl विलयन में 7 ml HCl विलयन है। यही मतलब है आपके पास विलयन का आयतन है, विलय का आयतन 7 ml है, 100 से गुणा कर दीजिए तो आपका 7% HCl प्राप्त होगा। ये हुआ आयतन प्रतिशत। तीसरा आते हैं हम, तीसरा जो विधि है उसमें अब आएंगे हम भार आयतन प्रतिशत या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भी कह सकते हैं इसको या
और आयतन प्रतिशत भी कह सकते हैं, हम दोनों ही शब्दों में यूज कर सकते हैं इस विधि को। द्रव्यमान, चूंकि हमने पहले विधि द्रव्यमान लिए तो वहीं से हम कोरिलेट करेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। जब किसी विलयन के 100 भार भागों में विलय, कोई विलय का आयतन भाग संख्या, यहाँ पर देखिए हम द्रव्यमान किसका लेंगे, विलयन का द्रव्यमान लेंगे और विलय का आयतन लेंगे। इसके बाद किसी विलयन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसमें हम लेंगे यहां पर आयतन अपन विलयन का लेंगे और द्रव्यमान जो रहेगा वह विलय का रहेगा। इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, किसी विलयन के 100 आयतन भागों में विलय के भार भागों की संख्या, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करिए। ये उदाहरण में देखिए, हमने H2SO4 40 ग्राम लिए हैं, उसको 1000 ml विलाय में घोल देते हैं और जो प्राप्त विलयन है उसका हमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। हमारे पास पूरी राशि दी हुई है, बस हमें फॉर्मूले में पुट अप करना है सब वैल्यूज को। जैसे विलय का द्रव्यमान यहाँ पर क्या है, 40 है, विलयन का आयतन 1000 ml है, उसको हम 100 से गुणा करते हैं, कितना आया हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत 4% है, यानी कि इस विलयन का जो सांद्रता रहेगी वह 4% है। अब नेक्स्ट आते हैं हम चौथी विधि, जो है हमारी सांद्रता ज्ञात करने की जो चौथी विधि है वह है मोलरता। चौथी जो है विधि मोलरता, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं।
संख्या विलय होती है उस विलयन की सांद्रता को हम मोलरता कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगी, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय के मोलों की संख्या को उस विलय की मोलरता कहते हैं। विलयन का आयतन हमने कितना रखे हैं? 1 लीटर रखे हैं। उस 1 लीटर विलयन में विलय के कितने मोल घुले हुए हैं वह उस विलयन की मोलरता कहलाता है। उसका सूत्र है m बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पर विलयन का आयतन कोष्ठक में लीटर में, इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे। जब भी कोई हर इससे मोलरता के आधार पर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है तो वहां पर आप ध्यान देंगे कि जो आयतन दिया हुआ है विलयन का वह लीटर में होना चाहिए। इसके बाद इसको हम और इसको एक्सटेंड करते हैं इस सूत्र को, m बराबर विलय के मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है? मोल संख्या बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पर हम मोल संख्या की जगह लिख देते हैं द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। m बराबर क्या हो जाएगा? विलय का द्रव्यमान बटे विलय का आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन लीटर में। ये है हमारी मोलरता का सूत्र। इसके आधार पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। यहाँ पर देखिए आप 11th में भी मोलरता मोलरता ये सब आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और यहाँ पे ही गलती करते हैं। मैं स्पष्ट बता रही हूँ आपको, जब आप बुक खोलते हैं तो यहाँ पर इस सूत्र में 1000 से गुणा किया जाता है, ये ध्यान देंगे आप, ठीक है? यदि आप 1000 से यहाँ पर गुणा करेंगे तब यहाँ पर लीटर नहीं लिखना है, विलयन का आयतन लीटर में यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इसलिए मैं एडवाइस करती हूँ बच्चों को आप यहाँ पे 1000 से गुणा ना करें, क्योंकि हो सकता है जो आपको प्रश्न दिया जा रहा है न्यूमेरिकल उसमें यहाँ पे विलयन का आयतन डायरेक्ट लीटर में ही दे दिया हो। जरूरी नहीं है कि उसमें क्वेश्चन में मिलीलीटर में ही क्वेश्चन में आयतन जो है वो मिलीलीटर में ही दिया, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो लीटर में दे दिए, फिर भी बच्चे यहाँ पे 1000 से गुणा कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके आंसर जो है वो गलत हो जाएंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि विलयन का द्रव्यमान बटे विलय का आणविक द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन लीटर में। आप इसको फोकस करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि विलयन का आयतन लीटर में है कि नहीं। यदि वो मिलीलीटर में है तो आप वहीं पे उसको सॉल्व कर लीजिए, उसको लीटर में परिवर्तित कर लीजिए और इसके फॉर्मूला में पुट अप कर दीजिए। इससे संबंधित मैं एक आपको प्रश्न भी दे रही हूँ, उसको आपको हल करना है। उदाहरण है 40 ग्राम NaOH में 40 ग्राम NaOH को 250 मिलीलीटर
विलयन में विलय किया गया है। इस विलयन की मोलरता ज्ञात करिए। और विलय का यानी विलय
पे विलय है NaOH, इसका आणविक द्रव्यमान अभी हमने पिछले बार निकाले थे कितना आया था 40 ग्राम। सूत्र में सीधे रखेंगे, मोलरता को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल एम बराबर हो गया विलय का द्रव्यमान बटे विलय का आणविक द्रव्यमान गुणा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। यहाँ पे हमारा किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, तो हम इसको किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए इसको हम यहाँ पर हजार से भाग देंगे, चार से दस बराबर, दस ऊपर जाएगा, दस गुना पांच, दस से दस कट गए, एक बटे पांच या 0.2 या 2 स्मॉल है मोलरता। तो इस तरीके से इस विलयन में आपको मोलरता जो प्राप्त हुई है वह है 0.2 N। तो यहाँ पे एक अंतर और आ गया, मोलरता को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं और मोलरता को हम स्मॉल N से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारी पांचवी विधि थी। अब हम मोलरता और मोलरता में अंतर बताएंगे। जबकि मोलरता में हमने कहते थे विलायक का द्रव्यमान लिया गया था, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह द्रव्यमान संबंधित मापन विधि है। सेकंड, यदि हम आयतन को कंसीडर करके चलते हैं किसी मापन विधि में, तो यदि हम विलयन का ताप कम या ज़्यादा करेंगे, तापमान कम या ज़्यादा करेंगे, तो उसके आयतन में भी परिवर्तन होगा। तो यह विधि जो है मोलरता पर ताप का प्रभाव होगा, ताप परिवर्तन का। जबकि मोलरता पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता ताप परिवर्तन का। अंत में आप तीसरा एक और लिख सकते हैं, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है, इसको स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरीके से इसका एक तीसरा पॉइंट मेन अपन छोड़ गए यहाँ पे, इसकी इकाई क्या होगी, मोलरता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर। जबकि मोलरता की इकाई क्या होगी यहाँ पे, मोल प्रति किलोग्राम।
कंटेंट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं मूलरता और मूलकता। इस तरीके से आज के वीडियो में हमने देखे जो विषय वस्तु हमने देखे वह है विलयन के। विलयन क्या होता है? विलयन के दो भागों के बारे में हमने चर्चा की, विलय और विलायक, उनकी परिभाषा बता दिए। उसके बाद विलय की विलय के प्रकार दो आधारों पर हमने बांटे, एक द्रव्य और भौतिक अवस्था के आधार पर हमने विलयन को विभाजित किया अलग अलग प्रकारों में, और दूसरा आधार उसकी सांद्रता के आधार पर हम उसको पांच भागों में या पांच प्रकार में विलयन को विभाजित किए। उसके बाद हमने आए जो विलयन की जो सांद्रता है वह अलग अलग विधियों के द्वारा कैसे मापी जाती है, वो विधियों के बारे में चर्चा किए। उसमें हमने पहला आया द्रव्यमान प्रतिशत, जिसमें हमने विलयन का भी द्रव्यमान लिए और विलय का भी द्रव्यमान। तो विलय का विलयन के 100 भागों में विलय के कितने द्रव्यमान भाग खुले हुए हैं, उस सांद्रता को हमने द्रव्यमान प्रतिशत बताया। सेकंड है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन में किसी विलयन के 100 आयतन भागों में कितना विलय का द्रव्यमान घुला हुआ है, वह उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। तीसरा था प्रकार था आयतन प्रतिशत, जिसमें हमने विलयन के 100 आयतन भागों में कितना आयतन विलय का घुला हुआ है, वह उस विलयन का आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाता है। चौथा आया मोलरता। मोलरता में किसी विलयन के 1 लीटर में विलय के मोलों की संख्या को हम उस विलयन की मोलरता कहते हैं, जिसको हमने कैपिटल एम से प्रदर्शित किया था। और नेक्स्ट लास्ट जो है वह मूलरता। मूलरता में किसी विलयन में 1000 ग्राम विलायक में विलय मूल विलय के मूलों की संख्या को हमने मूलरता बताया था। इस तरीके से अभी हमने 5 प्रकार के मापन विधि, सांद्रता की मापन विधि देखी। और इसमें प्रश्न जो आते हैं इस चैप्टर से, जो ब्लूप्रिंट के आधार पर अंक विभाजित हैं, जो हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल में बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आने वाले हैं, कुल इस चैप्टर से 5 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। और ये जो अंक विभाजित है, एक प्रश्न 2 अंक का आएगा और एक प्रश्न 3 अंक के आएगा। तो नेचुरल है अंकों के विभाजन के आधार पर आप देख सकते हो ये जो है वो अति लघुतरी प्रश्नों के अंतर्गत आता है, जिसमें आपको 2 या 3 लाइनों में उत्तर देने हैं। अति लघुतरी छोटे छोटे प्रश्न उत्तर आएंगे प्रश्नों के। तो यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं या तो इन्हीं जो मापन विधियाँ हैं उसकी परिभाषा बताने के लिए आपको लगता है, इन सब की परिभाषा बताने के लिए आ जाएगा, और या उससे आधारित जो मैंने छोटे छोटे प्रश्न बताए, न्यूमेरिकल्स बताए, वो न्यूमेरिकल्स हल करने के लिए आ सकते हैं, या फिर जैसे मैंने मूलरता और मूलकता के बीच में अंतर बताया। तो यहाँ पे अंतर अपन 3 अंतर दिन लिखेंगे वो पर्याप्त, कितनी अधिकतम 3 अंक के प्रश्न आएंगे यहाँ पे। यदि 2 अंक में पूछा जाता है तो आप 2 ही पॉइंट को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किए 2 पॉइंट में, यदि वो 3 अंक आते हैं दोनों में डिफ्रेंशिएशन तो आप 3 पॉइंट में उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन सभी परिभाषा, जितने भी अपन मापन विधियाँ हैं उन सबकी परिभाषा और उससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, आंकिक प्रश्न जिसे हम कहते हैं, उन सबको बहुत अच्छी तरीके से हल करना है। वो इसी आधार पर आपको प्रश्न बोर्ड में पूछ